हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं रुक्मणी कुंड, है ना? हाँ, रुक्मणी कुंड। तो गाइस, ये यहाँ से रास्ता है बीजापुर के लिए, ऋषिकेश। और तो हमने और जाना है अभी। इसके बाद हम अभी ये यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे। फाइनली गाइज, हम पहुंच चुके हैं रुक्मणी कुंड। तो गाइज, एक रास्ता ये सामने वाला है, वो जो आप सामने देख रहे हैं, ये बीच में अभी ब्रिज का जो है काम चला हुआ है। बाकी हम जो है इस पीछे वाले रास्ते से आए हैं। ये रास्ता वैसे काफ़ी अच्छा है, आप इस रास्ते को ही मैं प्रेफर करूँगा अगर आपने आना हो तो, ये अच्छा है। और ये रहा रास्ता, अभी कुंड जो है ऊपर है, तो चलिए आगे चलते हैं। जो आप ये पुल देख रहे हैं, इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी ढीली है। मैं 4 साल पहले भी यहाँ पे आया था, तब तक ये पुल ऐसे ही था और आज भी ये पुल ऐसे ही है। तो तरक्की के नाम पे सरकार काट ही रही है हम सबका, और बाकी क्या बोल सकते हैं। तो ये गाइस, यहाँ से रास्ता जा रहा है, आप ऊपर देख सकते हो पहाड़ है ऊँचे, और काफ़ी ऊँचा पहाड़ है ये। हम अभी ऊपर वाली साइड से ही आए हैं और अभी देखते हैं आगे हमें कौन मिलता है आगे। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो नहाने भी आते हैं, बट ये से यहाँ पे नहाना मना है, और फिर भी लोग आते हैं। और ये यहाँ पे हमारे पुलिस वाले अंकल, तो गाइस ये रहा आपका दुकान। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे ऊपर जैसे आपके मंदिर है, और ये साइड में ये रहा ऊपर मंदिर। यहाँ मंदिर देख सकते हैं, यहाँ पे मंदिर है। हाँ गाइस, ये आप यहाँ से आगे आप देख सकते हो, ये आपका रुक्मणी कुंड। गाइस जैसे कि आप देख रहे हो गाइस, यहाँ पे कहीं से भी कोई भी और पानी का कोई स्रोत नहीं है कि ऊपर से पानी आ रहा है, ये पानी यहीं पे गिरता है गाइस। तो गाइस, ये यहाँ की बात है, पुराने जब हमारे राजाओं का टाइम होता था तो उस टाइम छोटे छोटे जो रजवाड़े होते थे, तो यहाँ पे एक ऐसा हुआ कि पानी की किल्लत होगी, जो यहाँ के आसपास के जितने भी गांव हैं, छोटे छोटे गाँव हैं, कस्बे हैं, तो यहाँ पर जो है पानी की किल्लत होगी। तो यहाँ पर जो यहाँ के जो राजा थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, बट जो भी राजा थे, तो उनका जो उनकी जो कुल देवी थी, वो रात को सो रही थी, तो उनको एक सपना आया। तो सपने में कुल देवी ने कहा कि आपका जो बड़ा बेटा है, अगर उसकी बलि देते हो तो यहाँ पे जो है पानी की किल्लत जो है वो कम हो जाएगी। बट राजा ने ऐसा नहीं करा, राजा ने अपनी बहू की बलि दी यहाँ पर, बहू को, अपनी बहू को। वहाँ पे सामने जो आप ये देख रहे हो, ये जो आप ये सामने आप देख रहे हो, यहाँ पे अपनी बहू को जिंदा देख रहे हो। अभी हम सामने जा नहीं सकते हैं, और वैसे भी काफ़ी पुराना है तो हम उसको देख भी नहीं पाएंगे, बट जो प्राचीन यहाँ की जो कहानी है, जो हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं, तो यही हम कहानी सुनते हैं कि यहाँ पर जो है उनको जिंदा जो है चिनवाया गया था, उसके बाद जो है यहाँ पर पानी की किल्लत जो कम होगी। तो गाइस, ये एक बहुत ही बड़े बलिदान की बात है, बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। या फिर क्या था, तो यहाँ पे जो भी
कि आप पानी आप देख सकते हो, ये पानी यहाँ कहीं से आ नहीं रहा, ये सिर्फ यहीं से निकल रहा है। आप वो भी देख रहे हो जो पानी की सप्लाई है, ये यहीं से लेके कई गांवों को जा रही है, यहाँ से कई गांवों को पानी की सप्लाई की जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ से कई गांवों को पानी की सप्लाई की जाती है। और मुझे खासकर ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो ये मेरे को पानी कैसे कैसे ऊपर से पानी निकल रहा है, बिल्कुल वहीं से स्रोत निकला हुआ है। जैसे नल से पानी निकलता है वैसे वहाँ पहाड़ के नीचे से पानी निकलता है। और ऊपर आप देखोगे तो एकदम सूखी है पहाड़ी, आपको कुछ भी नहीं है, बस ये आपको तो देखने में एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। और यही यहाँ पे एक आकर्षण का केंद्र है कि लोग आते हैं ये भी नहीं देखने आते हैं, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था। और यहाँ भी खासकर यहाँ की पुरानी स्टोरियाँ देख कर ही आते हैं। यही है